कर मैं हूं आप सभी का दोस्त रघुवीर दया। दोस्तों मैं आज आपको पेंट की प्रेस कैसे करें उसके बारे में वीडियो करके दिखा रहा हूं। दोस्तों मैं सबसे पहले जो पेंट को उल्टा किया, उल्टा करने के बाद में जो इसका अंदर सिलाई लगी हुई है दोनों पार्ट को जोड़ने वाली उस पर मैं प्रेस करूंगा। वहां प्रेस करने के बाद में दोनों साइड से मैं जो सिलाई लगी हुई है वहां पर मैं प्रेस कर रहा हूं। उसको मैं पहले उल्टा सीधा प्रेस करूंगा उसको, उसके बाद में इसको सीधा करूंगा और इसको चीर दूंगा। मैं प्रेस की सहायता से इसको चीर दूंगा, थोड़ा सा पानी लगाऊंगा इसके अंदर और इसको आगे खींचते हुए इसको मैं चीर दूंगा। दोनों साइड की प्रेस करने के बाद में मैं ये गद्दी लूंगा, इस गद्दी को यहाँ लगाऊंगा। मैं यहाँ लगाने के बाद मैं इसको थोड़ा पानी लगाऊंगा फिलाई पर, और पानी लगाने के बाद में यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा। यहाँ करने के बाद में ये जेब जमाऊंगा, जेब जम गई, जेब को ऊपर से नीचे तक पूरा कंप्लीट जमाऊंगा। इसको जमाने के बाद में फिर गद्दी घुमाया और यहाँ से भी मैं पूरी जेब के लिए जमा दूंगा। जमाने के बाद ये तो पीछे डार्ट लगा हुआ है, इसको भी मैंने जमा लिया। इसी हिसाब से मैं ये आगे वाली जेब जो पीछे का कट पॉकेट है इसको भी मैं जमा लेता हूँ। कट पॉकेट जमाने के बाद मैं ये जेब भी जमा लेता हूँ। दोस्तों ये अंदर से पूरी दोनों जेब कट पॉकेट वगैरह सब जमा लिया। अब मैं बेल्ट पे प्रेस कर देता हूँ, बेल्ट जम जाएगा। दोनों साइड से बेल्ट पे प्रेस लगा लिया, बेल्ट जम गया। अब मैं लंगोट धिराऊंगा, ये लंगोट है इसको खींच के प्रेस करूंगा ताकि ये बिल्कुल साफ हो जाएगी। इसको खींच के प्रेस करना चाहिए, बराबर इसको खींचूंगा और इस हिसाब से खींच के प्रेस करूंगा। दोनों साइड से खींचूंगा इसको ऐसे खींच के तगड़ के प्रेस करूंगा ताकि इसकी ये लंगोट एकदम साफ हो जाएगी। अब दोस्तों मैं इसको उल्टा करूंगा, उल्टा करने के बाद में जो अंदर से लंगोट की मैं प्रेस लगा लेता हूं, ये लंगोट फिलाई तक पूरी क्लियर सीधी कर देता हूं। इसको प्रेस की सहायता से बराबर परफेक्ट में ये बराबर हो गई। अब मैं उल्टी पैंट मैंने सीधा कर लिया, अब इसको मैं फिलाई से यहाँ से शुरू करूँगा। ये जिस प्रकार से अंदर से गया उसी प्रकार से ये बाहर से प्रेस करूँगा। मैं फिलाई जम गई, बेल्ट के ऊपर जो नाकी लगी है बेल्ट वाली उसको भी जमा लिया। अब ये जेब जमा लेता हूँ मैं, जेब जम गई। तो ये कट पॉकेट है इसको बाहर से जमा लेता हूं मैं, कट पॉकेट भी जम गया। इस लंगोट को भी मैंने बाहर से प्रेस कर दिया, बाहर से प्रेस करके इसको मैं फिलाई तक लगातार प्रेस कर लेता हूँ। ये प्रेस हो गया, डार्ट को भी बाहर से प्रेस कर देता हूँ और अब जेब जमा लिया। ये दोस्तों इस चैन को बंद करके इस फिलाई को बराबर से थोड़ा पानी लगाकर रगड़ के जमा लेना चाहिए। ये फिलाई जमा लिया मैंने, अब मैं चैन खोल के वापिस। दोस्तों खर्चा जमा पर ध्यान रखिए, ये सेंटर का क्रीज पहले से जमा रखी, ये सेंटर का क्रीज मैंने पहले से खर्चा जमा उसी समय बना लिया था ताकि अब प्रेस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सेंटर का क्रीज है इसको मैं सेंटर रखूँगा और प्रेस मार दूंगा। अभी दोस्तों इसको मैंने वापस सेंटर कर लिया, जो सेंटर का क्रीज मैंने पहले बना के रखा था खर्चा जमा उसी समय।
इसको मैं सेंटर मार लेता हूँ और इसको सीधा करके प्रेस कर देता हूँ। दोस्तों ये पट्टी है, ये प्रेस किया और प्रेस के पीछे पीछे इस पट्टी को घुमा लेते हैं ताकि इसकी जो गर्मी है वो इसके अंदर समा जाती है और आलीशान प्रेस हो जाती है। जैसे ये पट्टी पीछे पीछे घूमेगी घर जोरदार बन जाएगा। दोस्तों मेरा यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलना और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी के निशान को दबाइए ताकि आने वाला अगला मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत में मिलता रहे। मैं आपके लिए अलग अलग प्रकार की सिलाई से संबंधित हर प्रकार का वीडियो अपलोड करता रहूंगा। यदि आपको कोई दिक्कत आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। दोस्तों मैंने एक पार्ट जमा लिया है, दूसरा भी मैं इसी प्रकार से जमाऊंगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ तुरंत हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।